हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलडीसी एईएन असिस्टेंट इंजीनियर 70% कोटा बाय वेस्टर्न रेलवे ऑन डेट 19 सितंबर 2020 में पूछे हुए एस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल्स पर बेस क्वेश्चंस के बारे में। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, इससे पहले हमारे चैनल रेलवे पार्टनर को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि वीडियो को नोटिफिकेशंस आप तक टाइमली पहुंच सके, जिससे आप उसका प्रॉफिट ले सकें और साथ में अपने एग्ज़ाम को एक्सेल कर सकें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी किए हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ द वर्ड डू पूछा गया है। व्हाट इज़ द वर्ड डू विच इज़ यूज्ड बाई डेली करस्पॉन्डेंस मीन्स, तो डेली ऑर्डर, डेली डेमी ऑर्डर, डेमी ऑफिशियल एंड नन। तो आंसर इज डेमी ऑफिशियल। आंसर इज डेमी ऑफिशियल। वन इज ऑफिशियल एंड अदर इज डेमी ऑफिशियल। डेमी ऑफिशियल मीन्स ऑफिशियल प्लस पर्सनल। ओके, नेक्स्ट इज डीएफ स्टैंड फॉर। डीएफ ये फाइनेंशियल रूल्स हैं। सो वन इज रिलेटेड टू फंड है, फंड से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो डेप्रिसिएशन फंड, नो, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होता है, डेप्रिसिएशन फंड कुछ नहीं होता। वन इज डेवलपमेंट फंड, डिस्काउंटेड फंड एंड नन। सो आंसर इज अ डेवलपमेंट फंड। ओके, आंसर इज डेवलपमेंट फंड। डेट ऑन विच आरटीआई पास्ड इन द पार्लियामेंट। आरटीआई मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन, पास्ड इन द पार्लियामेंट। सो आरटीआई, फर्स्ट पॉइंट इज आरटीआई इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ओके, एंड आरटीआई इज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 15th June 2005, दैट इज ए आंसर। एंड इट इज असेंटेड टू 22nd June 2005 बाई प्रेसिडेंट। ओके, एंड केम इन टू फोर्स ऑन 12th October 2005। तो ये तीनों डेट्स आपको याद रखनी है यहाँ पे, कि यह इनैक्ट हुआ 15 जून, 15 जून 2005 को, इसे राष्ट्रपति ने असेंट किया 22nd जून 2005 को, और यह विद इफेक्ट केम इनटू फोर्स ऑन डेट 12 अक्टूबर 2005। ओके, सो आंसर इज 15 जून 2005। वाइल इन सर्विस एन एम्प्लॉज इंटाइटल्ड टू इन कैश डैश डैश डेज ऑफ एल ए पी इन अ ब्लॉक पीरियड ऑफ टू ईयर। सो हाउ मेनी डेज ऑफ एल ए पी इन अ ब्लॉक पीरियड ऑफ टू ईयर कैन बी इंटाइटल्ड टू कैश। ओके, सो आंसर इज 10 days। नेक्स्ट इज एस एफ वन इज यूज फॉर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म वन इज यूज फॉर सस्पेंशन, यूज फॉर सस्पेंशन, एंड सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। और ड्यूरिंग द सस्पेंशन एम्प्लॉई इज एलिजिबल फॉर सब्सिस्टेंस अलाउंस, सब्सिस्टेंस अलाउंस, सब्सिस्टेंस अलाउंस, दैट इज 50% ऑफ इट्स पे। नेक्स्ट इज गेट कीपर शुड बी फिट इन विच मेडिकल कैटेगरीज। ओके, गेट कीपर जहाँ पे एलसी या लेवल क्रॉसिंग पे क्या होते हैं, गेट कीपर होते हैं, तो उनके लिए मेडिकल कैटेगरीज कौन सी है पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो सबसे पहले, जैसे हम रेलवेज में मेडिकल की कई कैटेगरीज बांट रखी है, जैसे A1, A2, A3 ऑन द विजन सो स्टैंडर्ड। तो A1 जैसे हो गया जो फुट प्लेट स्टाफ हो गया, जैसे लोको पायलट हो गया, असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, या नेविगेटरी स्टाफ हो गया, इन सबको A1 कैटेगरी में रखा गया है। A2 कैटेगरी जैसे शंटिंग स्टाफ हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, ये A2 कैटेगरी में आते हैं। A3 कैटेगरी में जैसे लोको इंस्पेक्टर हो गए, गेट कीपर सेट लेवल क्रॉसिंग्स हो गए, यार्ड सुपरवाइजरी स्टाफ हो गए, ये सब A3 कैटेगरी में आते हैं। ओके, C1 कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं, जो क्लरिकल स्टाफ होते हैं वो C1 कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से जो हमारा गेट कीपर एट अ लेवल क्रॉसिंग, दैट शुड बी इन A3 कैटेगरी। PVC इन अ कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स फॉर। तो PVC का फुल फॉर्म आपको बता दें, प्राइस वेरिएशन क्लॉज, प्राइस वेरिएशन क्लॉज, इंपॉर्टेंट है प्राइस वेरिएशन क्लॉज।
प्राइस वेरिएशन क्लॉज। ओके, प्राइस वेरिएशन क्लॉज क्या होता है यहाँ पे? प्राइस वेरिएशन क्लॉज शैल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ वैल्यू, दैट मीन्स व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वैल्यू शुड बी 5 करोड़ एंड मोर। जब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वैल्यू जो है वह 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में जो है तो प्राइस वेरिएशन क्लॉज एक्टिव होता है, एप्लीकेबल होता है। ओके, एंड मोर इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन पीरियड, चाहे कॉन्ट्रैक्ट कभी भी ख़त्म हो, लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो गया उसमें 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का है, अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है हमारा, तो उस केस में प्राइस वेरिएशन क्लॉज जो है वह एप्लीकेबल होता है। ओके, वेरिएशन इन क्वांटिटी शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीवीसी इन द कॉन्ट्रैक्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अगर अपन, तो सपोज इफ एनी एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एनी टेंडर, दैट इज नोट एनआईटी वैल्यू, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर वैल्यू इज 5.5 करोड़, सपोज। ओके, एनआईटी वैल्यू इज 5.5 करोड़, बट वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इज 4.5 करोड़। ओके, देन इस केस में पीवीसी अप्लाई नहीं होगा इवन इफ द एक्चुअल फाइनल वैल्यू इज 5.0 करोड़ और मोर। जैसे कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है वह 4.5 करोड़ है और जो इस्टीमेटेड वैल्यू है वह 5.5 करोड़ हो गई है ड्यू टू इन्फ्लेशन और समथिंग अदर, सपोज एनी ड्यूटीज वगैरह कुछ मिला के ऐसा, तो उसे 5.5 करोड़ पहुंच गई है। तो इस केस में जो है यहाँ पे पीवीसी जो है प्राइस वेरिएशन क्लॉज लागू नहीं होगा। ओके, सो इवन इफ द एक्चुअल फाइनल वैल्यू इज क्रॉसेस द 5 करोड़ और मोर, ओके, ड्यू टू वेरिएशन इन क्वांटिटीज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। सो दस वेरिएशन इन क्वांटिटीज आफ्टर साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इज नॉट रेलिवेंट फॉर डिसाइडिंग whether PVC is applicable to contract or not, okay? So यहाँ पे एक important point आपको याद रखना है क्या, कि price variation clause जो है that is applicable for only for the contracts of the value, that is contract agreement value, that is 5 crore and more। उस केस में ही 5 crore या उससे ज़्यादा का अगर contract agreement है हमारा, तो उसी केस में price variation clause जो है वह applicable होगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज प्राइस वेरिएशन क्लॉज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में जो मार्केट है हमारा बहुत इन्फ्लेटरी मार्केट है, बहुत ही मतलब अनप्रडिक्टेबल है, तो उस केस में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट रेलवे द्वारा किए जाते हैं, तो उस केस में ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राइस वेरिएशन का। सो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज पी एफ एडवांस इज नॉट एडमिसिबल, डॉटर्स मैरिज, परचेज ऑफ कन्वीनस, परचेज ऑफ हाउस, कैंसर ट्रीटमेंट। So answer is purchase of conveyance. Next is DMTR stands for. So DMTR क्या होता है? It is related to store. That is daily material transaction register. ये भी important है. Daily material transaction register. रजिस्टर नाम से पता लग रहा है। व्हाट इज द लोअर एज लिमिट फॉर सीजी, दैट इज कंपनसेटरी बेस्ड सीजी अपॉइंटमेंट नॉर्मली, दैट इज 18 इयर्स। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन इज रिस्टोर्ड। ओके, सो अभी जो है लेबर मिनिस्ट्री का एक डिसीजन आया है यहाँ पे कि रीस्टोरेशन ऑफ फुल पेंशन आफ्टर 15 इयर्स ऑफ रिटायरमेंट फॉर पेंशनर्स हु हैव कम्यूटेड पार्ट ऑफ देयर पेंशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सो आंसर इज व्हाट, 15 इयर्स ऑफ सर्विस। ओके, आफ्टर 15 इयर्स कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन इज रीस्टोर्ड। नेक्स्ट इज रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पीवे एंड ब्रिजेस इज चार्ज टू डिमांड। देखिए यहाँ पे डिमांड से हर पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा, डिमांड एंड प्लान हेड वेरी इंपॉर्टेंट दोनों चीजें। तो डिमांड नंबर 4 इज फॉर पीवे एंड ब्रिजेस वर्क,
अब टू व्हाट एज लिमिट अनमैरिड डॉटर इज कंसीडर्ड एज डिपेंडेंट एज पर पास रूल। एज पर पास रूल पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो अनमैरिड डॉटर है तो अनमैरिड डॉटर के लिए कोई ऐसी एज नहीं दी गई है, नो एज लिमिट। व्हेन कैन पर्सन विदड्रॉ 90% अमाउंट फ्रॉम फाइनल एक्यूमुलेटेड पीएफ अकाउंट विदाउट एनी रीजन डैश डैश बिफोर मंथ ऑफ रिटायरमेंट। सो 12 मंथ, ऑप्शन इज 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ एंड नन। तो जैसा कि ईपीएफओ जो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वंस एन इंडिविजुअल अटेन एट द एज ऑफ 54 इयर्स और विद इन वन ईयर्स ऑफ एक्चुअल रिटायरमेंट ऑन सुपर एन्यूएशन विच एवर इज लेटर, वो 54 ईयर्स ऑफ एज अटेन कर ले और 1 ईयर्स ऑफ एक्चुअल रिटायरमेंट ऑन सुपर एन्यूएशन विच एवर इज लेटर कैन विदड्रॉ द 90% ऑफ अमाउंट फ्रॉम फाइनली एक्यूमुलेटेड पीएफ अकाउंट। ओके, सो आंसर इज 12 मंथ और 1 ईयर। ईआई क्लासिफाइड रेलवे सर्वेंट एजेंशियल इंटरमिटेंट ईआई क्लासिफाइड रेलवे सर्वेंट एंड वर्किंग इन अ रोड साइड स्टेशन एंड प्रोवाइडेड विद अ क्वार्टर विद इन 500 मीटर फ्रॉम वर्क प्लेस इज डैश डैश हाउ मेनी आवर्स इन अ वीक। तो यहाँ पे जो है तो HOER से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, तो प्लीज HOER को अच्छे से तैयार करें यहाँ पे। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 72 आवर्स। विच कार्ड इज प्रोवाइडेड टू रेलवे ऑफिशियल फॉर अवेलिंग मेडिकल फैसिलिटीज। तो मेडिकल फैसिलिटीज के लिए कौन सा कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे रेलवे ऑफिशियल को, दैट इज उम्मीद कार्ड, दैट इज उम्मीद UMID यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन कार्ड। ओके, अपग्रेडेशन अंडर MACP इज पेएबल ऑन इंटरवल्स ऑफ हाउ मेनी ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। सो MACP, जैसा नाम से पता लग रहा है आपको, मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, दैट इज फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स, 20 ईयर्स एंड 30 ईयर्स, दैट इज काउंटेड फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री ग्रेड। ओके, सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स ऑफ सर्विस, देर इज अपग्रेडेशन अंडर MACP, मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 2021 द रेलवेज ऑपरेटिंग रेशियो, देर इज एन ऑपरेटिंग रेशियो इज एस्टिमेटेड टू बी वॉट, 96.2%, 97.4%, 98.6% एंड 94%। इस पे ऑपरेटिंग रेशियो पर एक वीडियो की डिमांड काफ़ी जोरों शोरों से आ रही है, तो इस पे एक वीडियो बनाऊंगा। सो ऑपरेटिंग रेशियो यहाँ पे बात करें अगर, तो ऑपरेटिंग रेशियो इज नथिंग बट द व्हाट एवर टोटल और ग्रॉस एक्सपेंसेस, इट इज द रेशियो ऑफ ग्रॉस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द रेलवे एंड ग्रॉस अर्निंग ऑफ द रेलवे। सो 96.2% इज द एस्टिमेटेड ऑपरेटिंग रेशियो इन द ईयर 2020-21। और इस पर जो है तो अभी जो है तो इंडियन गवर्नमेंट जो है तो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है इस एरिया में कि इस ऑपरेटिंग रेशियो को कैसे इम्प्रूव किया जाए। सो इस तरह से हमने टोटल 18 क्वेश्चंस जो LDC-AEN 70% कोटा बाय वेस्टर्न रेलवे एग्जाम से पूछे गए थे असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, तो इसमें आए हुए 18 क्वेश्चंस को एक बार में देखा। तो वीडियो को अपने स्टाफ, कोलीग्स और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे ये फाइनेंशियल और साथ में जो एस्टेब्लिशमेंट की जो अवेयरनेस है और साथ में कैसा पेपर का पैटर्न कैसा आता है उसकी इंफॉर्मेशन और उसकी जो समझ है एक बारीकी जो है तो लोगों को पकड़ में आ सके और वो जिससे वो अपने एग्ज़ाम को एक्सेल करने में कामयाब हो। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और हमारे चैनल रेलवे पार्टनर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।